नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में इडली कैसे बनाएं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही। आधा चम्मच नमक तीनों डालकर इसमें हल्का हल्का पानी देकर अच्छे से मिला लेंगे। और इसे आधा घंटा तक ढक कर रख देंगे। जब तक यह होता है तब तक हम इसके लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई गरम हो जाए तो 2 चम्मच तेल डाल लें। 1 कटा हुआ प्याज, 1/2 चम्मच जीरा, 7-8 छीला हुआ लहसुन, 2 मिर्चा, सबको अच्छे से भून लें। इसमें 1 कटा हुआ टमाटर भी डाल लें। जब ये लाल होने लगे तब इसे निकाल लें। अब थोड़ी सी बादाम भी भूंज लें। अब इन दोनों को एक साथ पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसे पीस लिया है। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने इसमें सरसों और मिर्चा और कड़ी पत्ता डालेंगे। इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल लें और इस तड़के को चटनी में डाल दें। अब इसे थोड़ा सा चला लें। दोस्तों, आप चाहें तो इसमें इमली का पानी भी डाल सकते हैं। हमने इसमें इमली का पानी डाल दिया है। तो दोस्तों, हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं इडली बनाने। 1/2 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, देख सकते हैं इसमें सूजी अच्छे से घुल चुकी है। इसमें 1 पैकेट इनो डाल लें ताकि इडली अच्छे से फूले। इडली के बर्तन में पहले तेल लगा लें ताकि इसे निकालते समय यह बर्तन में चिपके ना। तो दोस्तों, इन सब में अब घोल को डाल लेते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इसे पूरा फूल नहीं करना है, नहीं तो यह आपस में चिपक जाएगा। दूसरी तरफ बर्तन में 3 गिलास पानी डाल लें। पानी डालकर इसे ढक दें। जब यह पूरी तरह से खौलने लगे तो सांचे को इसमें डालकर इसे 15 मिनट के लिए ढक दें। पंद्रह मिनट हो चुका है दोस्तों, चलिए अब इसे खोल कर देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, हमारी इडली अब तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले किसी डिश के साथ। नमस्ते।